एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हिंदी टेकमिंट में। और HTML सीखने की इस सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं फॉन्ट टैग एंड इट्स एट्रीब्यूट को। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉन्ट टैग्स को किस तरह से हम लिखेंगे। सिंपली लिखेंगे फॉन्ट और इसके बीच में जो भी स्पेस होगा उसके अंदर हम लिखेंगे अपना डेटा और उसके बाद हम लगाएंगे क्लोजिंग टैग। तो फॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इस पर अप्लाई हो जाएंगी। अब फ्रेंड्स इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो वो क्या क्या हैं वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट है कलर, साइज एंड फेस। ये तीनों एट्रीब्यूट हैं। तो फ्रेंड्स कलर और साइज हमारे समझ में आ रहे हैं, बट फेस जो है थोड़ा सा हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो फेस एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिस पे हम डिफरेंट टाइप के फॉन्ट स्टाइल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो ऑलरेडी। मतलब हम देखने का स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर कुछ नाम जो है आपको शो करा दे रहा हूँ। आप सिंपली अगर ये नाम जो है लिख देंगे तो आपके डॉक्यूमेंट पर जो है टेक्स्ट पर ये फॉन्ट जो है वो अप्लाई हो जाएंगे। ये फॉन्ट्स आपको कहाँ से मिलेंगे जब मैं आपको लाइव एग्जांपल समझा रहा हूँगा, साथ ही साथ मैं आपको बता दूंगा ये सारे फॉन्ट जो हैं वो आपके कंप्यूटर में कहाँ पर हैं, किस नाम से हैं और कैसे हम इनको अप्लाई करेंगे वो चलिए हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड नोटपैड प्लस प्लस ओपन कीजिए और इस पर जो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो इस पर पेस्ट कर दीजिए। फ्रेंड्स ये मैंने बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी लिखा हुआ है, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हमारा आ चुका है। टाइटल के अंदर हम लिख देते हैं फॉन्ट्स, तो ये फ्रेंड्स हमारे ऊपर जो टैब जो आती है उसके ऊपर जो है वो शो हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स इस डॉक्यूमेंट को अब मैं सेव भी कर देता हूँ। लिखता हूँ मैं इसका नाम font.html और फ्रेंड इससे पहले मैं जो है वो 3 लिख देता हूँ ताकि हमारा वेब पेज जो है वो तीसरा जो है वो वहाँ पर डॉक्यूमेंट में क्रिएट हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बॉडी टैग के अंदर एक पैराग्राफ टैग लिखता हूँ और इसके साथ क्लोजिंग टैग लगाता हूँ और इसके अंदर एक पैराग्राफ के अंदर जो है मैं कुछ टेक्स्ट जो है वो पेस्ट कर लेता हूँ जो मैंने ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है या कहीं से कॉपी किया हुआ है और मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब फ्रेंड्स बॉडी टैग के अंदर मैं एक प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाला हूँ लेफ्ट मार्जिन नाम से, क्योंकि आप जानते हैं लेफ्ट मार्जिन इक्वल्स टू मैं 100 का मार्जिन दे देता हूँ जिससे जो है हमारी डॉक्यूमेंट जो है वो खूबसूरत दिखाई दे। तो चलिए फ्रेंड्स इसका आउटपुट हम देख लेते हैं कि वेब ब्राउज़र पे क्या आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसको रिफ्रेश करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं वेब ब्राउज़र पे इसका आउटपुट जो है वो आ चुका है। तो फ्रेंड्स हम जो है मार्जिन जो है हम टॉप से भी ले लेंगे साथ ही साथ में और इस पर फॉन्ट जो है वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टॉप मार्जिन। टॉप मार्जिन में फ्रेंड्स मैं वैल्यू पास कर देता हूँ 200 की। एनीवे फ्रेंड्स अब ये देखिए आप पैराग्राफ टैग जो है इसको मैं क्लोज करता हूँ फॉन्ट टैग के अंदर, यानी फॉन्ट टैग यहाँ लगाता हूँ और पैराग्राफ टैग के बाहर लगाता हूँ क्लोजिंग टैग फॉन्ट का। अब फ्रेंड्स ये देखिए फॉन्ट जो है वो पैराग्राफ टैग के अंदर जो है वो पैराग्राफ टैग जो है वो फॉन्ट टैग के अंदर आ चुका है। अब फ्रेंड्स मैं जो भी फॉन्ट टैग पे अप्लाई करूँगा वो ऑटोमेटिकली जो है वो इस पर अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले कलर को ही चेंज कर लेते हैं। CLOR कलर इक्वल्स टू लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे रेड। अब इसे सेव करेंगे फ्रेंड्स। मैंने यहाँ रेड फ्रेंड्स सिंपली सीधे सीधे लिख दिया है। आप चाहें तो हेक्साडेसिमल कोड का भी यूज़ कर सकते हैं जो इससे पहले के वीडियो लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। तो इस वेब पेज पे इस समय जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो क्या होगा, ऊपर से यहाँ पर स्पेस आ जाएगा थोड़ा सा और जो है इसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा। रिफ्रेश करता हूँ तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ऊपर से स्पेस आ गया है और कलर जो है वो इसका रेड हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये जो है फॉन्ट जो है वो अब छोटा दिखाई दे रहा है, तो चलिए हम इसको भी बड़ा कर लेते हैं। तो फॉन्ट टैग पे हमने रेड तो अप्लाई कर दिया, अब हम लिखेंगे साइज। साइज एट्रीब्यूट जो है वो लिखेंगे। अब इसके अंदर हम साइज लिख देते हैं 20। सेव करेंगे फ्रेंड्स तो ये साइज जो है वो इसका ऑटोमेटिकली जो है वो 20 पिक्सल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसका साइज जो है वो बढ़ गया है टैग्स का और अब हमारा वेब पेज पर ये प्रॉपरली शो हो रहा है। तो अब हमें ऊपर से मार्जिन भी कम करने की ज़रूरत पड़ जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो है टेक्स्ट जो है वो डिसअपेयर हो रहा है। मार्जिन हमने कर दिया 100 और अब हम फ्रेंड्स इस पे जो है वो फेस अप्लाई करेंगे। फेस जो था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि फेस जो है वो हमारे लिए अजीब सा लग भी रहा है। तो फ्रेंड्स अब ये फेस के अंदर जो है हम फॉन्ट स्टाइल अप्लाई करेंगे। तो ये फॉन्ट्स के नेम कहाँ से लेके आए हम, ये कैसे पता चलेगा कि हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से फॉन्ट इंस्टॉल हैं, तो उसके लिए फ्रेंड्स आप सिंपली क्या करेंगे, आप किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जाएंगे। जैसे कि मैं इस बेसिक स्ट्रक्चर वाली टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर जाता हूं और यहां पर फ्रेंड्स ये फॉर्मेट नाम का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करता हूं और फॉन्ट के अंदर जो है वो जाता हूं और यहां पर बहुत सारे फॉन्ट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ से हम जो है इसे कॉपी कर ले रहे हैं
बडोनी एम्प्टी पोस्टर। तो फ्रेंड्स ये वाला फॉन्ट जो है वो ऑटोमेटिकली ले लिया जाएगा। यहाँ पर मैं आता हूँ नोटपैड प्लस प्लस में और यहाँ इसे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं सेव करता हूँ तो इस जो हमने अभी फॉन्ट देखा था उस फॉन्ट में डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट जो है वो चेंज हो जाएगा और यहाँ से स्पेस जो है वो कुछ कम हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है। रिफ्रेश करता हूँ तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फॉन्ट जो है वो चेंज हो गया है। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि आप पूरे पैराग्राफ को ही चेंज करेंगे, आप जितना चाहें उतने टेक्स्ट को जो है फॉन्ट टैग के अंदर रखिए और उसके बाद जो है अपने वेब पेज को क्रिएटिव बनाइए। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे हम उसमें लिंक्स को कि किस तरह से हम एक वेब पेज से दूसरे पेज पर जाते हैं या दूसरे से तीसरे पर किस तरह से जाते हैं। फ्रेंड्स अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, मुझे बताइए और बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना आप फ्रेंड्स बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपको सिर्फ वीडियो लेक्चर्स के अलावा भी कुछ जानकारी देता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।